देखिए कारण एकदम साफ है, क्योंकि उनके अपने लोग जहाँ पर भी इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पर वो एकदम ऐसी घटनाओं को भी बचाव करने लगते हैं जिसका बचाव जो बचाव करने के लायक है नहीं, यानी जिसको कहते हैं डिफेंडिंग द इनडिफेंसिबल। आप देखते हैं कि चाहे कहीं पे वो लोग दंगा कराए, कहीं पे रेप की घटना हो, कहीं पे किडनैपिंग की घटना हो, स्टॉकिंग की घटना हो, मैं ये नहीं कहूँगी हर जगह बीजेपी के लोग इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जहाँ बीजेपी के लोग इन्वॉल्व होते हैं बीजेपी वहाँ पे एक प्रिंसिपल स्टैंड नहीं लेता। बीजेपी जो है एक बहुत गलत स्टैंड लेता है, उनको प्रिंसिपल स्टैंड, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनको स्टैंड लेना चाहिए कि हम जो आरोपी है उसके पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन ये अपनी पूरी ताकत मतलब सेंटर से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक एक आदमी को बचाने में लग जाती है, ये बड़ा कंडेमेबल है। ये हमने बार बार देखा, जहाँ पे भी चाहे कोई टेरर मामले में इनके इन्वॉल्व हो, साध्वी प्रज्ञा हो, कोई और हो, ये पूरा उसके बचाव में निकल जाते हैं। तो जिस चीज़ का बचाव नहीं है उसका बचाव करना नहीं चाहिए, हम लोगों का बीजेपी से यही कहना है। ये मध्य प्रदेश में जब व्यापम घोटाला हुआ था, व्यापम में जितने आरोपी थे, आरोपी विटनेस और जिन्होंने कंप्लेंट किया था, आरएसएस और बीजेपी का प्रणाली का और एक छोटा सा उन्होंने एक्सपेरिमेंट वहां पे किया, व्यापम में हम गायब करा देंगे और कितना गुस्सा जनता के बीच में होगा देखेंगे। और उस व्यापम वाले एक्सपेरिमेंट को अब ये सरकार हर मुद्दे पे जो भी लड़ रहे हैं, जो भी इंसाफ मांग कर रहे हैं और जो भी बोलते हैं उसमें बड़े पैमाने पे उसको शिफ्ट कर रहा है। प्रशासन जब साथ होती है किसी चीज के तो चुप रहती है, क्योंकि ये प्रशासन की मर्जी के बगैर तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। और जब उसके फादर को पुलिस ने अरेस्ट किया, टॉर्चर करके मारा, तो प्रशासन का हाथ ही तो था ना उनके सर पे, उसके बगैर नहीं हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला, जिसमें सैकड़ों लोग एक के बाद एक गायब होते गए, मरते गए, और कोई किसी ने सवाल नहीं उठाया पूरे प्रशासन। सरकार चुप है, सरकार बहरी हो चुकी है, सरकार कान में पिघला हुआ शीशा डालकर सो रही है, या उसको पिघला हुआ शीशा डालने की भी जरूरत हमको लग रही है। इसलिए आज सारे लोग इकट्ठा होकर के यहाँ पर आए हैं, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। ये सब वो लोग हैं जिनको एक जिनके अंदर सीने में दिल धड़कता है, जिनको एहसास होता है इंसान होने का, उनको वजूद पता है। अरे भाई, आप अपने पुलिस से क्यों जांच नहीं करा सकते हैं? मैं बताऊं क्यों? क्योंकि उनकी पुलिस जाके हर रोज सो कॉल्ड अपराधियों का फेक एनकाउंटर करता है, पुलिस के साथ गुंडा राज मचा के रखा है। पुलिस की जो काम है वो काम उनसे निकाल के उनको मरवाने का काम दे रखा है। ठाए ठाए बोल के लोगों को मरवाते हैं खुले आम, जो भी उनके विरोधी हो या जो भी आरोपी हो, जस्टिस सिस्टम को कोलैप्स करवाया है। उसके बाद भी योगी को शर्म नहीं आ रहा है और आज ये बात कह रहा है कि हम सीबीआई से जांच कराएंगे। अरे सीबीआई से जांच कराना तो अब इस्तीफा दीजिए, आपकी सरकार किस बात के लिए है? तो सीबीआई चलाएगा प्रदेश को, आप किस लिए है? देखिए भरोसा तो आप क्या कहें, जिस तरह से डेमोक्रेसी को हर जगह खत्म किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है यूपी गवर्नमेंट से बेहतर है कि अगर सीबीआई ही इसकी जांच करे, कम से कम हो सकता है कि ज्यादा उम्मीद है कोई सुराग निकल करके आए। देखिए भरोसा तो इस सरकार के अंदर अब किसी पे भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा है कि सारी की सारी जो एजेंसीज है पूरा कभी भी सरकार खरीद नहीं सकती है। अंदर कुछ ना कुछ ईमानदार ऑफिसर्स होते हैं और काफी होते हैं, तो अगर किसी ईमानदार ऑफिसर के जो डरता नहीं है सरकार से, उसके हाथ में जाएगी तो निष्पक्ष हो भी सकती है। तो हम अभी एजेंसीज पे भरोसा नहीं छोड़ना चाहते, हमें उम्मीद है कि लोगों में अभी जो सच्चाई है, ईमानदारी है, वो उनके दिलों में बची हुई है। देखिए सीबीआई जांच की अगर बात की जाए तो सीबीआई जांच इससे पहले बहुत सारे मुद्दों में हो चुकी है। अब हमें ये देखना होगा कि सीबीआई जांच कहाँ तक इंडिपेंडेंट है और सीबीआई एज एन ऑटोनोमस बॉडी काम कर रही है कि नहीं, या वहाँ पे एक बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी का वहाँ पे एक इंटरफेरेंस हो रहा है कि नहीं। तो ये जो पूरा सीबीआई वाली जांच है, यहाँ पे हमें ये भी देखने की जरूरत है कि कैसे जो आरोपी है वो जेल में रहकर भी इस तरह की साजिश कर पा रहे हैं। तो इस पे उन लोगों की चुप्पी बहुत ही क्वेश्चंस खड़े करते हैं कि वो जेल में रहकर भी एक पूरा एक साजिश कर रहे हैं, एक ट्रक से आपको पूरी की पूरी परिवार को मारने की कोशिश करते हैं। तो ये सीबीआई की जांच महज एक अपने ऊपर जो लोग ये लग रहा है वो बस टालने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, ये दोनों आज की डेट के मिस्टर क्लीन चिट हैं। ये स्वयं को क्लीन चिट देते हैं, इनके ऊपर कितने अपराध थे, इन्होंने तो सब क्लीन चिट कर लिया। तो वैसे ही सीबीआई किसके इशारे पर काम कर रहा है? सीबीआई तो एक स्टूज बना हुआ है, एक टूल है। आज के समय में सीबीआई जो है पपेट के तौर पर काम कर रहा है, इससे ज्यादा सीबीआई कुछ भी नहीं है।